हमारे गुरु जी पीर जी ने कहीं यहां से सबको जाना है, लेकिन कुछ अच्छाई लेके जाते हैं, कुछ बुराई लेके जाते हैं, लेकिन अच्छा कार्य करना चाहिए और उस परम पिता परमेश्वर को भी याद करना चाहिए। किस तरह? चार शब्दों में। जाए गजब जहां से, बस ताली बजा दो, कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए गजब जहां से, कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ के बोलेंगे घेर घेरे। पीटे गछाती अपनी, पीटे गछाती अपनी, गुण बाण रास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, ऐतिहासिक भजन पर खुश होकर हमारे आदरणीय डॉक्टर अजीत सिंह, वो भी 501 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मानित करते हैं, उनके लिए बार बार हार्दिक धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली। और आदरणीय मनोज कुमार कपासिया जी मीरपुर से चक्की वाले, वो भी 101 रुपए से इस भजन का सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों एक बार सभी के लिए जोरदार ताली। और सतवीर महाशय जी माधोगढ़ से, भाषे सतपाल दोसा जी के लिए 100 रुपए देते हैं। ये जोगिंदर कपासिया जी 25 रुपए गुरु जी के लिए और 25 रुपए राकेश भाटी जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दो जी। और हमारे बहुत ही अजीज हमारे गुरु समान चंद्र महाशय जी जाडौल से, वो भी 101 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार ताली। अगली बात में लिखा है कवि ने कि एक दिन वो होगा कि चुन चुन के लकड़ियों से, गोसे फूस से तेरी चिता बना दी जाएगी और तुझमें दाग लगा दिया जाएगा। किस तरह से और क्या लिखा दूसरी बात? कैसे? झपट के भंगी तेरे कफन को, चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट के भंगी तेरे कफन को, देगा आग तो
दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा वो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से जमी पे माटी की खाक होगी सोने शिकायत जल करे राख होगी घूमे गजब जमी पे माटी की खाक होगी बस्ती से दूर तेरा बस्ती से दूर तेरा मरघट में वास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से गाने से खुश होकर सुभाष प्रधान जी किशनपुर से सुभाष प्रधान जी 500 रुपए से इस गाने का सम्मान करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। चाहूंगा सभी के लिए जिन्होंने हौसला अफजाई की है सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें जोरदार ताली। अंतिम बात में कवि ने लिखा है कि झूठा भ्रम है झूठा संसार है इसमें फंसा हुआ है तू उस प्रभु का नाम ले और अच्छे कार्य कर ताकि तुझे बाद में भी याद किया जाए। अंतिम कली में क्या लिख दिया बहुत अच्छे होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से